स्ट्रक्चर होगी ये इस तरीके से चिपक जाएगी, ये पूरी तरीके से चिपक सकती है। अब मैंने दो तीन पिक्चर्स बनाई है, जो माइनोरा है ये पूरा ही चिपक गया है, बिल्कुल चिपक गया है, बहुत कम जगह है या फिर बिल्कुल भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा खतरनाक कंडीशन होती है। ये जो दिक्कत है ये हो सकता है कि जो ओल्ड एज की जो फीमेल है उसमें हो सकता है, जो हो सकता है 60-65 साल की हो उससे भी ज़्यादा हो, या फिर ये हो सकता है कि जिसके अभी अभी पीरियड बंद होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं 45 से 50 साल के अराउंड, तो इससे ऊपर भी हो सकता है और इसके आसपास भी हो सकता है कि जब पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं। ठीक है, एक उस फीमेल को ये दिक्कत हो सकती है जो कि जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, कुछ महीने बीते हैं, कुछ दिन बीते हैं, उसको ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन बहुत ही कॉमन होती है कि जो कोई एक छोटी बच्ची है, हो सकता है जिसने जन्म ही लिया है उसको ये प्रॉब्लम हो गई है कि या फिर वो हो सकता है वो 5-6 साल की है, यंग गर्ल है, 2-3 साल की है, तो उसके बाद जब तक वो जवान नहीं हो जाती उससे पहले पहले ये दिक्कत हो जाती है। अब ऐसी दिक्कत क्या है उसको हम समझते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें होता क्या है कि जो फीमेल होती है उसकी जो प्राइवेट पार्ट है उसका एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो बाहर वाले जो उसकी संरचना है उसको छोड़ के उसके अंदर एक संरचना होती है ये इस तरीके की, ये बाहर वाली होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मैजोरा, एंड ये है माइनोरा। ठीक है, दो लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत सॉफ्ट सी ये स्ट्रक्चर है, संरचना है। तो इसमें क्या हो जाता है, ये पूरी तरीके से बंद हो जाती है, ये पूरी तरीके से फ्यूज हो जाती है, यही ये दिक्कत होती है। अब अगर ये बंद हो गई है तो आप समझ सकते हैं इसी के अंदर ये ओपनिंग है जो कि यूट्रस तक, गर्भाशय तक जाती है। ठीक है, इसी से होते हुए रास्ता गर्भाशय तक जाता है, बच्चेदानी तक जाता है, और ये एक रास्ता है जहां से पेशाब की जो नली है वो खुलती है। तो अगर ये पूरी तरीके से बंद हो जाता है, ये जो रास्ता है ये पूरी तरीके से फ्यूज हो जाता है, तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि उसका जो पेशाब है हो सकता है वो रुक रुक के आए, या फिर पेशाब करते टाइम बहुत ज़्यादा जलन हो, दर्द हो उसको, ऐसा हो सकता है, या फिर पेशाब किसी किसी में अगर सीवियर कंडीशन है तो बंद भी हो सकता है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं कि ये क्या होती है, तो चलिए समझते हैं। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए हम डिटेल में जान लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है जो कि बहुत ही कॉमनली मिल जाती है एंड इसके बारे में बात करना कोई चाहता ही नहीं है, तो चलिए समझते हैं। अब देखिए क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है आपको दिखाई दे रही है माइनोरा इसको बोलते हैं, एंड इसके ऊपर होता है ये क्लिटोरस। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है कि ये जो स्ट्रक्चर है मेनली, ये जो प्रॉब्लम है बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये इस तरीके से चिपक जाएगी, ये पूरी तरीके से चिपक सकती है। अब मैंने दो तीन पिक्चर्स बनाई हैं कि कंडीशन कितनी हो सकती है। हो सकता है किसी किसी में ये जो स्ट्रक्चर है कि जो पेशाब की जो ओपनिंग है वो सिर्फ थोड़ी सी दिखे और बाकी का ये जो हिस्सा है पूरी तरीके से फ्यूज़ हो जाए। ठीक है, चिपक जाए इस तरीके से, पूरी तरीके से ये चिपक गया है, तो अब ये ओपनिंग दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, दूसरा ये भी हो सकता है कि ये जो ओपनिंग है ये भी बहुत कम दिख रही है, बहुत ही छोटी सी जगह बची हुई है जिसमें से मुश्किल से जो पेशाब है वो बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, बहुत ही कम, बहुत ही धीरे धीरे और प्रॉब्लम होती है, बाकी पूरी तरीके से ये जो हिस्सा है ये ऐसे फ्यूज हो गया है, बंद हो गया है, देख सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पूरा ही जो माइनोरा है ये पूरा ही चिपक गया है, बिल्कुल चिपक गया है, बहुत कम जगह है या फिर बिल्कुल भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कंडीशन होती है। अब जब छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, तो उसको तो जब नहलाते हैं तो अच्छे से समझ में आता है, लेकिन थोड़ी सी यंग गर्ल हो जाती है तो उसको हो सकता है जल्दबाजी में ठीक से आप ना देख पाएँ, ना उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएँ, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि मेन इसका जो कारण होता है वो क्या होता है, मेन इसका कारण यही है कि अच्छे से हाइजीन मेंटेन ना करना, मतलब साफ सफाई इस एरिया की अगर नहीं होगी पूरी तरीके से, क्योंकि बार बार ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ऐसा चिपक जाता है, धीरे 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 होता होता पूरा ये चिपकता है। तो अगर अच्छे से हाइजीन मेंटेन की जाए बच्चे की, बार 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 जब भी उसको नहलाया जाए, उसको पूरी तरीके से उस पार्ट को साफ किया जाए, अच्छे से उसको एग्जामिन किया जाए कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, पेशाब करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि रेडनेस तो नहीं है, तो ये सब बातें एक माँ की होती हैं, उसको ये चीज़ें जरूर देखनी चाहिए। अब अगर ऐसा हो रहा है किसी के साथ तो वो समझ जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि एक दिन में पूरा नहीं चिपकता है, इसके कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, ना ये बीमारी नहीं है, पहली बात ये कोई बीमारी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ऐसा ये प्रोसेस हो जाता है कि ये इस तरीके से चिपक जाती है। दूसरा इसका जो मेन कारण होता है वो क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ, ये होता है हॉर्मोन। ठीक है, आप सबको पता है कि हमारे हॉर्मोन्स बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं,
हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हंसना रोना खेलना कूदना सब हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा जो मूड है वो हॉर्मोन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या है, हॉर्मोन्स जो होते हैं एस्ट्रोजन जो कि फीमेल का हार्मोन है हमें पता है। अब मैंने जो एज बताई कि जो छोटी बच्ची होती है उसमें इसका लेवल कम होता है और होना भी कम ही चाहिए, लेकिन बहुत कम अगर किसी में हो जाए, क्योंकि देखो ये जो एस्ट्रोजन है ये कब ज्यादा होता है, जब कोई बच्ची जवान होती है 12-13 साल की होती है, उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो उस टाइम ही इस हार्मोन में अपने आप ही इसमें बढ़ोतरी होने लगती है। एक और ये प्रॉब्लम कब हो सकती है कि जो जो फीमेल जो प्रेग्नेंट है जिसके गर्भाशय में जो लड़की है हो सकता है उसके अंदर एस्ट्रोजन कम और जो एंड्रोजन्स जो कि मेल के जो हार्मोन्स हो सकता है उनमें थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया हो, वो बढ़ गए हों और एस्ट्रोजन कम रह गया हो, तो इसकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने भी बहुत ही नज़दीक से देखी है, एक छोटी बच्ची किसी रिलेटिव की थी जो कि 2-2.5 साल की थी, उसके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि उसका जो ये वाला पार्ट है सिर्फ थोड़ा बहुत खुला था, ठीक है, बाकी ये पूरा बंद हो गया था, पूरी तरीके से ऐसे चिपक गया था और ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पे कोई दरार के जैसी बनी हुई है, बहुत ही पतली झिल्ली सी है, लेकिन ये पूरा बंद था, पूरी तरीके से बंद था। तो उसकी जो मदर थी वो देख के डर गई कि पता नहीं क्या दिक्कत है, कहीं ये इसको कोई और दिक्कत तो नहीं है, कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि अगर यहाँ से रिलेटेड कोई दिक्कत है और हमें उस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो हम डर जाते हैं कि कहीं कोई और वो इशारा करते कि कोई थर्ड जेंडर तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है उनको, और हर माँ बाप के लिए आसान नहीं होता है, हम सब जानते हैं। तो उन्होंने अपनी उसकी जो ग्रैंड मदर थी जो दादी दी थी उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने अपने हाथों से इस बच्ची को नहलाया है और बहुत अच्छे से उसकी केयर भी की है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है मैंने बताया, तो हो सकता है उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया हो कि ये चीज हो सकती है, थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान नहीं रखा हो, तो उस वजह से क्या हुआ, या फिर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया हो, तो उस वजह से ये बंद हो गया था। उसकी दादी ने क्या किया, थोड़ा सा उसको तेल लगाया एंड उसको ऐसे बिल्कुल सेपरेट कर दिया, तो ये पूरी तरीके से खुल गया और वो लड़की आज भी बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये दोबारा फ्यूज ना हो जाए, क्योंकि एक बार ऐसा होने के बाद ये दोबारा भी ऐसे चिपक सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए क्या करना है कि कोकोनट जो ऑयल है उसकी मसाज करनी है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए वहां पे लगा के रखना है, क्योंकि जब ये खुलता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत बच्चे को ट्रॉमा हो या फिर जो बड़ा है उसको भी हो सकता है। तो क्या करें, कोकोनट ऑयल जो सिंपली सबके पास होता है तो उसकी मसाज करें, डेली बेसिस पे लगाएं और अच्छे से इसको इस पार्ट को क्लीन भी करें, ठीक है, तो ये ठीक हो जाता है। कभी कभी किसी में अपने आप ही ठीक हो जाता है, नहीं तो किसी किसी में बहुत सीवियर कंडीशन अगर है तो उसका छोटी सी सर्जरी होती है, बहुत बड़ी कोई सर्जरी नहीं है जैसे कि डरना पड़े, ठीक है। क्या होता है कि इस पार्ट में छोटा सा कट लगा के एंड उसको हाथ से ही ठीक कर दिया जाता है, ठीक है, डॉक्टर्स बहुत ही इजीली 10 मिनट में इसका ये पूरा काम हो जाता है। मैंने इस प्रॉब्लम को बहुत ही नज़दीक से देखा और इसका सोल्यूशन भी देखा, तो मुझे लगा कि मुझे भी इसके बारे में बहुत पहले नहीं पता था, आज से 2 साल पहले मुझे नहीं पता था इसके बारे में कि ऐसा भी कुछ होता है। फिर मैंने इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां जुटाई कि ऐसा भी होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और मुझे लगा कि इसके बारे में बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे जो नहीं जानते होंगे, तो इसके बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों तक पहुँचा सकूँ इस जानकारी को, हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके ताकि कोई भी छोटा बच्चा या फिर जो वृद्ध महिला है वो इन प्रॉब्लम से ना जूझे, क्योंकि वो अपने आप को इतनी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, और हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे कि आपने इस प्रॉब्लम को पहले इससे पहले कभी सुना है, देखा है, तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, और आप इसका सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है जो कि मैंने आज बहुत अच्छे से हो सकता है क्लियर की हो। YouTube पे बहुत ही कम वीडियोस मिलते हैं इस तरीके के, समझ में नहीं आता है कि क्या है, बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं बट वो पूरी तरीके से इंग्लिश में है, बहुत सिंपल भाषा में समझाए नहीं गए हैं। तो आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे सुबह 10 बजे लाइव प्रीवियर में, जिसमें आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।